योगेंद्र भाई आओ जी। प्रणाम। नमस्कार जी। देखिए लंडौरा राज्य के जो अधीश्वर रहे हैं, लंडौरा के राजा हरिद्वारी राजा भी कहलाते रहे, हरिद्वार की राजधानी उनकी रही एक समय में। और आज बता दूं देवभूमि उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार में तपोभूमि कनखल जो पड़ती है, कनखल में ये राजघाट निर्मित हुआ है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर है और जो विद्यमान है इसकी प्रारंभ राधा कृष्ण के विलक्षण मंदिर से होता है जिसमें अलौकिक मूर्ति विद्यमान है। सोने और चांदी का कार्य यहाँ पूरे मंदिर में हो रहा है, अरबों रुपए का इसको देखा जाए तो आप हिसाब देख सकते हैं। और सूर्य जब उदय होते हैं पहली किरण श्री कृष्ण के चरणों में जाती है सामने से। दूसरा यहाँ पे सिद्ध मंदिर है शिव जी का, भोले महादेव महाकालेश्वर का, वहाँ पर आपको दर्शन करने से और रुद्राभिषेक करने से धर्म लाभ और बड़ा विलक्षण किस्म का आपको एक स्पिरिचुअल गेन कहना चाहूंगा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बोल गंगा मैया की जय। और 250 साल पहले ये बनाया गया था। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। देखिए कौम को खड़ा नहीं करूंगा, मैं खुद सेवक हूं कौम का, सुन लीजिए। पहली बात तो मेरा मुख्तसर सोचना जो है, मैं नेता वेता नहीं हूं, मैं हूं समाज प्रवर्तक। आई डू सोशल इमेंसिपेशन, आई डोंट ओनली डू सोशल सर्विस, आई डू सोशल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेटर ऑफ द सोसाइटी। कब मैं आऊंगा? 8 तारीख को असौला में, बताबेरी में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं करता हूं। अभी तो मात्र मैं इस महान वीर गुजर कौम के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि अपने पूर्वजों के इतिहास को मत भुलाओ युवाओं, कल का जमाना तुम्हारा है। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बड़े कहते हैं राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। आपको अपने ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर अभिमान करना होगा, और कैसे करना होगा ये 8 तारीख को बताऊंगा। जय गुर्जर, जय भारत, जय भारत।